I am done with this man. It's over. Who's Aman? Just a fucking loser. That's not true. Huh? कुछ हुआ है क्या? मतलब डैड भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, अभी भी नहीं है. कहाँ गए हैं सब? वो बस ऐसे ही कुछ लेने गए. चल ना, आजा आजा, तू डांस कर यार. बानी बानी सुनना सुनना सुनना, बोलना. कुछ तो हुआ है यार. कुछ नहीं हुआ है, सब सही है बेब, सब सही है. चल डांस कर. देख देख, दादी दादी और मॉम को देख. देख यार दादी, अभी भी जवान लग गया. नहीं यार, मैं तेको बोल रही सच्ची. कुछ हुआ है बोल. निक्स निक्स, आई नो कि ड्रामा हमारी फैमिली के खून में. सुन, तेरे खून में थोड़ी दारू मिला. चल ईशान, तू भी चल. वैसे पूनम बता रही थी कि आजकल आपका मूड फिर से शादी वाला हो रहा है. शायद. लेकिन आपकी तो शादी 3 बार हो चुकी है ना. हाँ, डिवोर्स भी. मैं सोच रही हूँ उस पर थीसिस करूँ, यू नो. क्या पता राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाए. वैसे इस टॉपिक के गुरु हूँ, मेरे जीज है कहाँ. किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि क्या हुआ है. किसी को कुछ नहीं पता चलेगा माँ. वैसे कुछ पता चला? रोहित का के हुआ क्या है? कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई भी फोन नहीं उठा रहा. ना अनन्या फोन उठा रही है, ना अभी. अभी का फोन है. हाँ अभी. कुछ पता चला? क्यों पुलिस उसे लेके गई है? क्या? What nonsense? रोहित कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है सर. ये किडनैप. सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि रोहित मेहरा ने किसी को किडनैप किया होगा? देखिए सर, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है अगेंस्ट मिस्टर मेहरा, तो आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए. आप प्लीज कुछ कहेंगे? आप लोगों को बस इतना जानने की जरूरत है कि MP मृणालिनी वर्मा ने इन पर चार्ज लगाया है, जो कि अरेस्ट के लिए काफी है. अगर वो MP है तो क्या हो गया? क्या उससे क्या फर्क पड़ता है? तो MP है तो क्या, किसी पे कुछ भी इल्जाम लगा देंगे. और उनको कैसे पता कि रोहित ने ही अमायरा को किडनैप किया है? Exactly. कोई रैंसम नोट है, कोई डिस्ट्रेस कॉल आई आपको? नहीं ना. प्रूफ चाहिए आपको. देखिए, पहले तो लड़की से 54 लाख रुपए लिए, फिर उसे ब्लैकमेल किया. अब और पैसा चाहिए तो लड़की को ही गायब कर दिया. अरे क्या गायब कर दिया यार, मैंने तुझे बताया था ना, वो पैसे मैंने नहीं मांगे उससे, उसने खुद ट्रांसफर किए थे. याद है पूरी? मैंने तुझे बताया था वो पैसे आए मेरे अकाउंट में, उसने बोला था IT रिटर्न आए होंगे. याद है? पूछे ना इससे. ऐसा क्यों किया उसने? मेंटल है क्या वो? हाँ तो है वो. धीरे भाई. इंस्पेक्टर दोनों पागल है, वो भी उसकी माँ भी. यार मैं क्यों गायब करूंगा किसी लड़की को? यार मैं दिखता हूँ शक्ल से किडनैपर तुझे. मेरी बेटी की शादी है यार कल, जाने देना प्लीज. यार मैंने नहीं किडनैप किया उससे, ना उससे वो पैसे मांगे. वो भाई सुन रहे तू? वो बड़े भैया रोहित भाई साहब कोई जरूरी काम से बाहर गए, अभी तक लौटे नहीं है. और अनन्या भी नहीं दिखाई दे रही है. एंड मुरवा कुछ लोग कह रहे थे कि पुलिस आई थी. कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ सब कुछ ठीक है. एक्चुअली वो पुलिस स्टेशन गए हैं क्योंकि वो ऑफिसर्स उन्हें टैक्सेशन के लिए बुला लेते हैं. इनकम टैक्स में उनकी हेल्प करते हैं ना, कभी भी बुला लेते हैं और इमिजिएटली उन्हें निकलना पड़ता है. कितना वक्त लग जाएगा उन्हें मैं बता नहीं सकती आपको. आई थिंक हमें निकलना चाहिए, हम चलते. थैंक यू ईशान. बाय मरी वगैरह. बाय विक्की. मॉम लाइक सीरियसली, आपको सारा मेलोड्रामा मेरे ही संगीत में करना है? It's very embarrassing. हर टाइम ईशान के पेरेंट्स के सामने हमें चोरों की तरह बिहेव करना पड़ता है, कुछ ना कुछ छुपाना ही पड़ता है. प्लीज काम डाउन मासी, प्लीज. इसमें मैं क्या, मुझे लगा सब कुछ ठीक है, अभी तक सब अच्छा जा रहा है, बट नहीं. डैड गोज मिसिंग, देन अनन्या, देन अभिमन्यु, एंड ऊपर से डैड अपने सारे प्रॉब्लम्स लेके ना एक साथ. स्टॉप इट. कल तुम्हारी शादी है ना, अपनी जिंदगी शुरू कर रही हो तुम, एक नई फैमिली के साथ जुड़ रही हो. हर फैमिली का रूल जानती हो ना तुम. लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर नो मैटर व्हाट. एंड वी हैव अ प्रॉब्लम हियर. तुम्हारे पापा जेल में हैं. या और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई तुम्हारे अगेंस्ट है? यू आर कंप्लीटली रॉन्ग. तुम्हें पता है
तुम्हारी फैमिली का हर एक मेंबर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, हमेशा की तरह। हो जाएगा ठीक सब कुछ। हाउ कुड यू डू दिस? हमेशा खुद ही के बारे में सोचती हो ना? पहले मेरी जिंदगी के साथ खेला, छोटी सी बच्ची थी मैं, यहां वहां अकेला भेज दिया मुझे, और अब मायरा की जिंदगी बर्बाद करने में लगी हो। मैं रोहित को अच्छी तरह से जानती हूँ, ओके? मैं जानती हूँ उसने अमायरा को किडनैप नहीं किया है। इंस्टेड लुकिंग आउट फॉर अमायरा, आपने रोहित को अरेस्ट करवा दिया जस्ट टू फकिंग काम योर ईगो। रोहित की बेटी की शादी है, कभी किसी और के बारे में सोचा है? और यू हैव ऑलवेज बीन सो सेल्फिश। मैं जो भी कर रही हूँ अमायरा के लिए कर रही हूँ। अब रही तुम्हारी बात अनन्या, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहती थी, बट तुम एक गलती का नतीजा हो जो मैंने एक रात एक गलत इंसान के साथ किया। कभी ऐसे सोचती हूँ कि काश तुम चादर पर एक दाग होकर रह जाती। Oh, I should have sued that damn condom company. It was a difficult 9 months. Impossible, बहुत मुश्किल थे। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती हूँ, मैं अपने आप को ब्लेम नहीं करती हूँ। और मैं अपनी पूरी जिंदगी एक स्टेक पर नहीं लगाना चाहती थी एक रात के लिए। मैं सिर्फ 19 साल की थी, मेरे पूरे सपने थे मेरे आगे, मेरा करियर, मॉम थी मेरे साथ, तुम थे। मुझे याद है कि मैं डिटॉक्स कैंप में गई थी 2 महीनों के लिए, और किसी ने मुझे पूछा तुम लाइपोसक्शन कराने आए हो? वाओ, मैं तुम्हारे खर्चे संभालती आई हूं, क्या करती, जिम्मेदारी थी मेरी। एंड यू थिंक सिर्फ पैसा पे करना एज अ मदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे लिए? यू नो व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, यू लेफ्ट मी अलोन, यू बिट्रेड मी। और फिर रोहित आया मेरी जिंदगी में, ही बिकेम माय फैमिली टिल ही बिट्रेड मी। यू एंड अमायरा, टेरिबल टेस्ट इन मेन। यू नो व्हाट, मैं आपने बारे में बात करने नहीं आई हूं। जिंदगी अकेली जी है और आगे भी अकेली मैं जिंदगी जी लूंगी, ओके? बट मुझे इतना पता है कि रोहित ने अमायरा को किडनैप नहीं किया है, विच मीन्स योर डॉटर इज मिसिंग। अमायरा को ढूंढने में आई वुड हैव हेल्प्ड यू, बट आपका ये जो क्लीन चिट नाम है ना, वो खराब हो जाएगा मेरी इन्वॉल्वमेंट से। सो डोंट यू वांट टू डू समथिंग? डोंट यू वांट टू फाइंड योर डॉटर? नो, फिकर नहीं करो, शी इज एन अटेंशन सीकर, वापस आ जाएगी। क्या हुआ, खुद के लिए बुरा लग रहा है? नहीं, अमायरा के लिए बुरा लग रहा है। यू नो, आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि जब मैं बहुत यंग थी, व्हाटएवर इट वाज, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। यू फ्रीड मी, आज़ाद कर दिया मुझे अपने डिजायर से, ड्रीम से, अपनी सेल्फिशनेस से। लेकिन आज भी जो सजा भुगत रहा है ना, वो है आपकी दूसरी बेटी अमायरा। बचपन में मुझे आपने अकेला छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ रहते हुए भी उसे अकेला छोड़ दिया। यू आर सिक। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? अच्छा, एक बात करनी थी आपसे। और ये बता, हरि कन्या छत का बड़े बड़े लॉस को कौन लगाते हुए? अब देखना ये है कि इनका छक्का लगता है, फिर इनकी कितनी विकेट। हेलो, और ये इनकी गिर गई है विकेट, हर विकेट पे चांस गवाते हुए टू गेट क्लोजर टू द कप। और ये क्या दूसरी, और अभिमन्यु भी रनिंग बिटवीन द कॉल्स। अब देखना ये है कि ये छक्का लगा पाएंगे या फिर इनकी गिरेगी विकेट। अबे क्या कर रहा है तू, मेरी हालत यहाँ टाइट है और तू क्रिकेट कमेंट्री दे रहा है? ओ भाई, तेरा मूड हल्का कर रहा हूँ, और वैसे भी तुझे पता है ना, बियर के बिना मूड हल्का करना कितना मुश्किल है। ओए, तू तो बड़ा खुशकिस्मत है, तेरे दो दोस्त सोतम सिंह यहाँ पे तुझे बाहर निकालने पे लगे हुए। अरे तू जा यार, तू बाहर जा, जाए पी के जा। चाय नहीं, यहाँ तो पॉपकॉर्न लगेंगे यार। रोहित, मैंने काफी लॉयर से बात की है एंड दे आर सेइंग इट्स इम्पॉसिबल टू गेट बेल टुनाइट, प्लस उनका केस काफी स्ट्रांग है। सो या यू राइट, केस काफी स्ट्रांग है, और चूंकि एमपी इन्वॉल्व है इसीलिए कोई चांस नहीं लेना चाह रहा। क्या बात कर रहे हैं सोमारी सर, आप तो हमेशा चांस मारते रहते हैं, हाउ कैन यू गिव अप? सीरियसली रोहित, तुम अभी भी मुझ पर ताने मारना चाहते हो? ताने नहीं मार रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मैं रावण नहीं हूँ, आई एम नॉट द बैड गाय हियर। बस थोड़ी चूतियापंती की है तुम्हें, भुगत रहा हूँ, बट गुड फॉर बोथ ऑफ यू। चूतियापन नहीं किया होता
तो मेरी बीवियाँ आज तुम दोनों की बीवियाँ नहीं होती, अब नहीं, आपकी नहीं सुमारी साहब। आई नो मैंने आना को डिवोर्स नहीं दिया अब तक, लेकिन ये खत्म हो जाए, शादी वादी निपट जाए तो दे दूंगा, फिर आप कर लेना चटमंगनी पट ब्याह। रोहित हम दोनों तुम्हारे लिए काफी ट्राई कर रहे हैं, प्लीज यार कुछ सेंसिबल नहीं बोल सकते हो, मत बोलो ना यार, चुप रहो। अरे चोमू तू यार कोई बात ही नहीं समझता क्या, फिर मुझे गलत समझ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझने की कोशिश कर, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया मुझे गलत समझती, मैं हूं नहीं, है ना, दुनिया समझती है कि मैंने अपनी बीवियों को छोड़ दिया, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाया, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ, समझ रहे। मैं प्यार करता था अपनी बीवियों से, आज भी करता हूँ, अपनी बेटियों से भी प्यार करता हूँ, समझ रहा है। अभी तुम दोनों समझोगे, जरा संभल के रहना इन दोनों के साथ, मेरी उम्र के हो जाओगे ना, और जब प्यार के बदले प्यार नहीं मिलेगा ना तुमको, तब समझेगा जो मैं। तू डूड रिलैक्स, इट्स ओके। क्या बोल रहा है भाई? हे गाना, एनी न्यूज़? वो नालिनी अपने केस से बैक आउट नहीं करने वाली है, एंड जाहिर सी बात है सब उसी का साथ देंगे, सो अरे उस लड़की को ढूंढो, अमायरा को ढूंढो, अमायरा मिली या नहीं? नहीं, पता नहीं वो कहाँ है, क्या कर रही है, नो आइडिया। किसकी नजर लग गई है रोहित को, कुछ ना कुछ गलत होते रहता है उसके साथ, और खास करके वो लड़की जब से आई, और उस लड़की का तो पहली नजर में ही समझ गई थी कि पागल है वो। माँ टेंशन मत लो ना, अभी हैरी अनन्या सब गए हैं ना वहां, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा, जरा टाइम देखो, इस टाइम पे बेल होगी कहीं से। और मुझे तो फिक्र इस बात की हो रही है कि ईशान की फैमिली से क्या कहेंगे, क्या बताएंगे उनको। क्या बोल रहे हो आप? अरे केस भी तो किडनैपिंग का है, किसी को कानो कान भी खबर हो गई ना, किसी को मुंह दिखा दिया। दादी ऐसा मत बोलिए प्लीज, आप प्लीज एक तो टेंशन लेना बंद करो, और सामने निक्की बैठी हो दादी प्लीज। अनन्या क्या हो रहा है वहां? कहा था मैंने कि शादी से पहले पाठ करवा लो, घर में कुछ तो नेगेटिविटी कम हो जाता ही। माँ मेरी बात सुनो, हम निक्की की शादी करवाएंगे और धूमधाम से करवाएंगे, ओके? आप ही कहते हो ना कि पूनम और मैं आपकी बेटियां हैं, एंड निक्की आई थिंक यू आर वेरी लकी, क्योंकि पूनम और मैं हम दोनों मिलकर तुझे तैयार करेंगे, और वैसे भी कबीर है ना, कन्यादान तो वही करेगा, और निक्की यही चाहती थी ना माँ। अब अगर आप ऐसे उदास रहोगे तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे निभाएंगे माँ? अगर आप स्माइल करती रहेंगी तो हम सब खुशी खुशी अपना काम करते रहेंगे। कम ऑन नाउ। अनन्या क्या मैं रोहित से मिल सकती हूँ? लेट तो हो गया, बट आई थिंक आई कैन मैनेज। ये सब क्या है? जिस दिन मैंने उस लड़की को देखा था, तुमसे कहा था ना कि वो लड़की मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, और आज रोहित तुम सुनते नहीं हो ना। अरे सुनना यार पूनम, अब तो मैं तेरा पति रहा नहीं ना, तो क्यों नसीहत दे रही मुझे? लेकिन ठीक है, ईशान की फैमिली को पता तो नहीं चला? पता नहीं चलने दूंगी ना मैं, कुछ बहाने बना दिए मैंने और संभाल लिया सब कुछ, लेकिन रोहित कब तक? शायद मुझे उन्हें कल ही बताना पड़े, मे बी
आई डोंट नो मैं क्या करूंगी, बस ये निकी की जिंदगी का सवाल है, उसकी शादी का सवाल है। मैं उसे अपनी नई जिंदगी एक झूठ के सहारे नहीं शुरू करने देना चाहती। उसके बाप की जिंदगी भले झूठ हो, उसकी जिंदगी झूठ नहीं हो सकती। सब अच्छे से करना, ठीक से करना, सब बहुत प्यार से विदा करना उसको। मैं जानता हूं कि मेरी निकी शायद अब मुझसे उतना प्यार नहीं करती जितना करती थी, लेकिन देखना उसको, उसको कहीं बाप की कमी महसूस ना हो। आई एम ग्लैड कि मेरे साथ आना है, हम सब संभाल लेंगे। आना और तुम दो माए हैं उसकी, द बेस्ट मदर्स इन द वर्ल्ड, ना? पूरा विश्वास है मुझे तुम दोनों कर लोगे। फोटो लेना यार, फोटो वीडियो, हाँ, और भेजना मुझे, मेला बैठा हूंगा तो देखूंगा। यार, मेरी निकी की शादी हो रही है और मैं ये, maybe I deserve it, but I tell you, ये जो भी हुआ है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। You believe me, right? रोहित, इतना तो विश्वास हम सब करते हैं तुम पर। मैंने सोचा था जो वो पहनेगा मैं भी वही पहनूंगा, यू नो, वो क्या कहते हैं आजकल, ट्विनिंग, बट यू नो, वो कन्यादान करेगा ना मेरी जगह। रोहित, इट्स ओके, कबीर की सारी तैयारी हो चुकी है। And we will make sure कि हम उससे एक अच्छा सा कन्यादान करवाएं। Don't you worry। निकी की शादी पूरे धूमधाम से मनाएंगे हम। Just like we planned it। कल मेरी बेटी की शादी है और मैं यहाँ कैद में हूँ, सलाखों के पीछे। कल निकी दुल्हन बनेगी, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी और मैं उसके साथ नहीं हूँगा। बस अविश की सब ठीक ठाक हो जाए, निकी खुशी खुशी विदा हो जाए।